हेलो फ्रेंड्स, सीएनसी एडवांस प्रोग्रामिंग एंड मोटिवेशन चैनल के टेक्निकल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पेपर एंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ, कैसे इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कैसे इसकी लेंथ निकालते हैं और कैसे गेज डाया निकालते हैं। ये एक पार्ट है, इसकी ओडी है हमारी 22 mm। ये ओडी दी है खाली, यहाँ पे एक डाया दिया है एंगल के बीच में, ये डाया दिया हमारा 20 mm का। जो 20 mm का डाया दिया यहां से इसकी लेंथ दी है 20 mm प्लस माइनस 0.1 और डिग्री दी है ये 6 की, दोनों साइड की, यानी एक साइड की डिग्री हो गई हमारी 3। तो प्रोग्राम बनाने के लिए तो हमें ये डाया चाहिए और एक यहाँ की लेंथ भी हमें पता होना चाहिए कितनी आ गई है, भी कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेगी। तो ये डाया कैसे निकालेंगे, ये डाया निकालने का तो सिंपल फॉर्मूला है हमारा, ओडी माइनस एंगल का मान गुणा एंगल लेंथ इंटू 2। ओडी हमारी यहां तक की 20 है, 20 माइनस एंगल का मान ये 6 डिग्री दोनों साइड का है, तो एक साइड का कितना हो गया हमारा 3 डिग्री, तो 10 3 गुना एंगल 20 गुना 2, 20 माइनस 10 3 का मान हो गया 0.0524 गुना 20 गुना 2, तो 20 माइनस 2.096 माइनस 30 टेबल्स के हमारा 17.903। तो ये डाया आ गया हमारा 17.903 हो गया। तो अब ये लेंथ और कितनी बच गई हमारी, ये लेंथ निकालने के लिए ये डाया दे रखे, ये डाया दे रखे, एंगल दे रखा। तो इसके लिए कैलकुलेशन क्या करेंगे, पहले हम हाइट निकाल लेंगे इसकी, एंगल की हाइट, हाइट है हमारी डी माइनस डी बटे 2, 22 माइनस 20 बटे 2 बराबर 2 बटे 2 बराबर 1, एक हाइट आ गया, ये त्रिभुज हो गई हमारी। एंगल हमारा 3 डिग्री का है, हाइट हमारी 1 है, तो यह लेंथ निकालने कैसे निकालेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे 1000, 10 3 बराबर है 1/1 और 10 3 का माने 0.0524 बराबर 1/1। अगर इसकी क्रॉस गुणा करेंगे तो 0.0524 ए बराबर है 1 और ए बराबर है 1/0.0524, तो ये आ जाएगा हमारा दोस्तों 0.0524 बराबर 1/a। अगर इसकी क्रॉस गुणा करते हैं तो 0.0524 ए बराबर 1 और ए बराबर 1/0.052, तो ये हो गया 19.083, यह आ गई हमारी 19.083, ये टोटल हो गई 39.083। तो हमारे पास ये लेंथ भी आ गई, ये 39 डिग्री का हमारा एंगल है। तो एक बार मैं आपको कैलकुलेशन समझ जाता हूँ, फिर प्रोग्रामिंग करते हैं इसकी। तो ये लेंथ निकाली हमें, ये लेंथ दी और यहाँ का बेस का गेज डायर दिया 20 mm, गेज डायर देने के बाद लेंथ दे दी और एंगल दे दिया दोनों साइड का 6 डिग्री, तो एक साइड का कितना हुआ 3 डिग्री। तो 3 डिग्री के हिसाब से कैलकुलेट की हमने 20 लेंथ के ऊपर, तो ओडी माइनस एंगल का मान गुना एंगल की लेंथ गुना 2, तो 20 माइनस 10 थीटा गुना 20 गुना 3, तो 20 माइनस 0.0524 गुना 20 गुना 2, 20 माइनस 2.096 प्लस 17.903, ये डाया आ गया हमारा। अब ये डाया 22 दे रखा है, ये 20 है, तो यहाँ की लेंथ निकाल लेंगे हम, पहले तो ये एंगल की हाइट निकालेंगे यहाँ की, ये हाइट हमारी एक होती है क्योंकि ये 20 है ये 22 है, क्योंकि एक इधर की होगी एक इधर की होगी, तो एक होगी त्रिभुज बन गई, तो ये त्रिभुज बना दी, वैसे 22 माइनस 20 बटे 2 बराबर 2 बटे 2 बराबर 1 आ गई,
टेन थीटा बराबर लम बटे धार, टेन थीटा कितने का तीन का, तीन बराबर है एक बटे ए और तीन का मान है 0.0254 बराबर है एक, और अगर एक को हम क्रॉस गुणा करते हैं 0.0524 ए बराबर एक और ए बराबर एक भाग में 0.254 बराबर है 19.083। तो ये आगे हमारी 19.083 यहाँ तक की होगी 39.083 टोटल हमारी 60 इधर कितनी बच गई 20.9217 इधर की कितनी बच गई हमारी 20.917। करिए दोस्तों अब हमारे पास में सारी वैल्यूज होगी, जब सारी वैल्यू हो जाती है तो प्रोग्राम बनाना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो दोस्तों अब इसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, वैल्यूज हमारे पास में हो गई है सारी। तो प्रोग्राम की स्टार्टिंग हमेशा ओ के साथ में चार डिजिट से करते हैं, ब्रैकेट में पार्ट का नाम दे देंगे जो भी है। पेपर पार्ट जो भी है एंड ब्लॉक लगा देते हैं। N1 हमारा सीक्वेंस नंबर हो गया, G0X0Z-100 T0 लगाने के बाद होम पोजीशन से पड़ेगी, होम पोजीशन से पढ़ते हुए X में 0 रही, Z में 100 mm आगे आ गई हमारी मशीन। T0101 एक नंबर टूल हो गया, एक नंबर ऑफसेट हो गया। G97S3000 M03 में स्पेंडर रोटेट कर दिया 3000 की स्पीड से। G0X22Z10 M08 कूलेंट ऑन कर दिया, इससे 10 mm दूर खड़े हैं और एक्स में ये हमारा जितने का ब्लैंक है बहुत स्कोर हमारा ब्लैंक 20 का है तो हम 2 mm ऊपर खड़े हो गए 22 पे। तो G0Z0 जहाँ से फेसिंग करनी है वहाँ पे आ गई। G01X-1.0.15 फेसिंग की हमने, ये फेस किया इसका। G0W1X17.903 जहाँ से हमें एंगल स्टार्ट करना है वो वैल्यू कर दिया आपने। G42G1Z0 यहाँ फेस कटा जो इस फॉर्मेट पे। G01X ये डाय कितना हमारा 22 का, तो X22.0A-3.0 जो हमने A-3.0 लिखा है इसकी जगह आप A177 भी लिख सकते हो 180 में से 3 घटा के, या फिर Z की लेंथ Z-39.083 इन तीनों में से कुछ भी एक लिख सकते हो आप, तीनों ऑप्शन आपके लिए। G0G40U1Z10M09 G0 G1 कैंसिल हुआ, G40 G42 कैंसिल हुआ, U1X में कम ऊपर बुटी Z10 और M09 कुल एंड रुकेंगे 12। G97S500 कॉन्टेस्ट कम कर दी, G0X0Z-100 T0M05 एक्सपेंडर स्टॉप कर दिया, T0 लगा दिया होम पोजीशन से पड़ेगी, जहाँ से हमने पोजीशन दी वहाँ पे आ गई मशीन। M30 प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है दोस्तों एक बार मैं बता देता हूँ आपको मोटा मोटा दोबारा से, ताकि किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो दोबारा समझ सके। ये हमने कैलकुलेशन करी, ये हमें गेज डाय दिया 20 का, 20 के गेज डाय से 20 लेंथ दी और एंगल दिया हमारे दोनों साइड का 6 डिग्री, तो एक साइड का कितना होगा 3 डिग्री, तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन करी तो ये डाय आया हमारा। फिर इधर की कैलकुलेशन करी तो ये आई टोटल लेंथ, ये लेंथ होगी हमारी टेपर की टोटल। तो हमने ओ के साथ में 4 डिजिट से प्रोग्राम की शुरुआत की, पोजीशन दी, टूल नंबर दिया, स्पेंडल रोटेट किया, पार्ट को पोजीशन दी, टूल को जेड जीरो पे आए, फेसिंग करी हमने, जहाँ से हमें एंगल स्टार्ट करना है वो वैल्यू भरी, जेड जीरो यहाँ पर टच हुए 42 की कमांड के साथ, हमने ये एंगल दिया यहाँ तक आए और यहाँ से हमने इसको कैंसिल किया, कोल एंड ऑफ किया, स्पेंडल की स्पीड कर्म की और पोजीशन दे दी और N30 प्रोग्राम एंड कर दिया। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अगर आपकी 20 डाया के ऊपर ये लेंथ कम या ज़्यादा आ रही है तो ओके कैसे करोगे, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सपोज करो ये लेंथ आ रही है आपकी 20.4, मांगी आपकी प्लस माइनस 0.1,
यानी 0.4 ज्यादा आ रही है। 0.4 कम करने के लिए क्या करोगे? ये डाया प्लस करना पड़ेगा। ये डाया प्लस कैसे कितना करोगे? इसका एक फॉर्मूला है, टेन थीटा गुना एक्स्ट्रा लेंथ जो भी आ रही है, 0.4 आ रही है तो 0.4 कर देंगे गुना दो। टेन थीटा का टेन थ्री का है गुना 0.4 इंटू टू, टेन थ्री का माने 0.0524 गुना 0.4 गुना दो। ये कैलकुलेशन आती है दोस्तों, अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं इसकी। 0.0524 गुना 0.4 इंटू टू, यानी अगर ये डाया आप 40 माइक्रोन बढ़ा दोगे तो ये लेंथ आपकी अगर 20.4 आ रही है तो ओके हो जाएगी। अगर ये लेंथ आपकी 19.6 आ रही है तो आपको ये लेंथ बढ़ानी है तो उस दौरान इस डाया में से वैल्यू कम करनी पड़ेगी आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसी टॉपिक के ऊपर बार बार प्रोग्रामर्स है, सेटर्स है, सेटिंग करते हैं या वो करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ये समस्या बार बार आती है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों।